Hello students, today we are going to start exercise 7.3, the last exercise of this chapter. First exercise में हमने ratio के बारे में पढ़ा था, second exercise में हमने proportion के बारे में पढ़ा था. जैसा कि इस chapter के name में तीन name given थे, ratio, proportion and unitary method. So last exercise में हम unitary method के बारे में पढ़ेंगे. तो unitary method होता क्या है? Unitary method में हम यूनिट क्वांटिटी पता करते हैं. यूनिट क्वांटिटी मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज़ की क्वांटिटी पता करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट सपोज, जैसे अगर आप 20 टॉफीज लेकर आए हैं 40 रुपीज़ में, 20 टॉफीज लेके आए हैं 40 रुपीज़ में, और अगर हमें तब ये पता करना है कि हर एक टॉफ़ी की प्राइस क्या है, तो वो जो मेथड है जिससे हम हर एक टॉफ़ी की प्राइस पता करेंगे वो कहलाता है यूनिटरी मेथड. इस एक्सरसाइज के अंदर हम यूनिटरी मेथड के बारे में सीखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज इज रुपीज 22.50, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज. अगर आपको मान लो कोई कॉपीज खरीदने जाना है, 5 कॉपीज इतने रुपए की आती है, तो 7 कॉपीज कितने रुपए की आएगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे. जब आपको पता चलेगा कि एक कॉपी इतने रुपए की आती है, तो आप कितनी भी कॉपीज़ का प्राइस उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो. तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लिख लेते हैं. सबसे पहला हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज़. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट डाउन कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज़ इज इक्वल्स टू रुपीज़ 22.50. ये थी 5 कॉपीज़ की प्राइस. अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी यूनिट प्राइस निकालेंगे. यूनिट प्राइस मींस वी आर सपोज टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, एक कॉपी की क्या प्राइस है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो प्राइस गिवन था 22.50, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कॉपीज से. या नंबर ऑफ कॉपीज़ कितना गिवन है, 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे. इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹4.50. अब सबको डिवाइड करना तो आता ही है, तो इसका आंसर आएगा 4.50. मतलब 1 कॉपी की प्राइस है 4.50. अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज. मतलब हमें ये जो 1 कॉपी की कॉस्ट है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 7 कॉपीज़ की प्राइस मिल जाएगी. सो कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज इज इक्वल्स टू रुपीज़ 4.50 इंटू 7. एक कॉपी की ये प्राइस है, उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें 7 कॉपीज़ की प्राइस मिल जाएगी. यहाँ पर इस क्वेश्चन में भले आपको कितनी ही कॉपीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला हो, आप उसको पर यूनिट प्राइस जो है उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो. तो यहाँ पर जब हम 4.50 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31.5. ये इसका आंसर आएगा 31.50. मतलब 7 कॉपीज़ की ये प्राइस है. अगर आपको बोला जाए 10 कॉपीज़ की प्राइस फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, ये जो इसकी 1 कॉपी की प्राइस आई है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे. सो हमारा आंसर ये है, यहाँ पर हम लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज़ इज ₹31.50. ओके, इसी तरह से हमें सॉल्व करना है. तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, वो भी इसी तरह से होगा. आप इसको सेल्फ ट्राई करोगे. उसके अंदर हमें वेट दिया है 54 बुक्स का वेट दिया है 9 kg. हमें 24 सच बुक्स का वेट फाइंड आउट करना है. तो पहले आप 1 बुक का वेट फाइंड आउट कर लोगे, 54/9, फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो हमें 24 बुक्स की प्राइस मिल जाएगी. अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल्स इन 7 आवर्स. एक ट्रेन 3 आवर्स में 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो हमें ये बताना है कि वो 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. तो इसके लिए हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और 1 आवर का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे.
फिर जो हमारा 1 आवर का डिस्टेंस आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 7 आवर्स मिल जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस इन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 आवर्स इज इक्वल्स टू 210 किलोमीटर, देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर। तो 1 आवर का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 210 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमें 1 आवर का डिस्टेंस मिल जाएगा। सो 210 अपॉन 3, 3 ones are 3 एंड 3 sevens are 21 हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर। मतलब ट्रेन 1 आवर में 1 घंटे में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर्स, तो वो 7 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 7 आवर्स, तो हम क्या करेंगे, ये 1 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 70 × 7 इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 से कितना होता है 49, तो ये हो जाएगा 490 किलोमीटर। सो दिस इज़ आर फाइनल आंसर। वी आर गोइंग टू राइट डाउन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 7 आवर्स इज 490 किलोमीटर्स। गॉट इट? इसी तरह से हमें सॉल्व करने हैं यूनिटरी मेथड से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्कूटर रन्स 80 किलोमीटर इन 2 लीटर पेट्रोल, हाउ मैनी लीटर पेट्रोल विल बी कंज्यूम टू रन 200 किलोमीटर। एक स्कूटर 80 किलोमीटर चलता है 2 लीटर पेट्रोल में, तो 200 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना लीटर पेट्रोल चाहिए। सो राइट डाउन फर्स्ट डिस्टेंस इन 2 लीटर्स पेट्रोल, तो 2 लीटर पेट्रोल में कितना है 80 किलोमीटर, इससे हम क्या निकाल देंगे डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल, डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इस 80 को किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हमें जितना गिवन है, कितना गिवन है 2, सो 80 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा 2 ones are 2 एंड 2 fours are 8 और 0 तो यहाँ आ जाएगा 40। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर चल लेता है 40 किलोमीटर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 200 लीटर में कितना चलेगा, 200 किलोमीटर में कितना लीटर पेट्रोल चाहिए। सो पेट्रोल कंज्यूम्ड टू रन 200 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस 200 को डिवाइड कर देंगे 1 लीटर में जितना चलता है उससे, तो यहाँ इसको 40 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 ones are 4 एंड 4 fives are 20, सो कितना लीटर पेट्रोल चाहिए उसको 5 लीटर्स, 5 लीटर्स पेट्रोल में वो 200 किलोमीटर चल जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे 5 लीटर्स पेट्रोल विल बी कंज्यूम्ड टू रन 200 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो होमवर्क है आपका, आप सेल्फ करोगे। 3 टेलीविज़न की प्राइस गिवन है और हमें 18 की निकालनी है। सेम मेथड अप्लाई करोगे, जो प्राइस गिवन है उसको 3 से डिवाइड करोगे, फिर जो यूनिट प्राइस आ जाएगी उसको 18 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ 1 dozen पेंस इज ₹192, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 120 पेंस। 1 dozen पेंस की प्राइस है ₹192, हमें 120 पेन की प्राइस फाइंड आउट करनी है। सो कॉस्ट ऑफ 1 dozen पेन कितनी गिवन है हमें, ₹192।
अब वन डजन मतलब क्या होता है, एक डजन में कितनी क्वांटिटी चीज़ें होती है, 12। तो हम कॉस्ट ऑफ वन पेन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये वन लिखा हुआ है, उसके साथ में डजन भी लिखा हुआ है, वन डजन मीन्स 12। ये 12 पेन की प्राइस गिवन है, हमें वन पेन की प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस 192 को डिवाइड कर देंगे 12 से। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 16। मतलब एक पेन की प्राइस कितनी है, 16 रुपीज़। सो अब कॉस्ट ऑफ 120 पेन्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम। कॉस्ट ऑफ 120 पेन्स, उसके लिए क्या करेंगे, एक पेन की प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से। सो इट इज़ गोइंग टू बी रुपीज़ 16 × 120। 16 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, रफ़ वर्क में आप ये सारे मल्टीप्लीकेशन डिविजन सब सेल्फ करके देखोगे, एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। तो इसका आंसर आएगा 1920। मतलब 120 पेन्स आएंगे इतने रुपए में। सो द कॉस्ट ऑफ 120 पेन्स इज रुपीज़ 1920। सेवन्थ क्वेश्चन होमवर्क है, अब एट्थ क्वेश्चन करते हैं। अ डीलर अपॉइंट 14 वर्कर्स ऑन वर्क एंड पे रुपीज़ 840 पर डे टू दैम। इट मीन्स एक डीलर के पास कितने वर्कर है, 14 वर्कर्स है, तो सारे वर्कर को मिला के वो कितने पैसे देता है, 840 रुपीज़। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि एक वर्कर को कितने पैसे मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, 840 को डिवाइड कर देंगे 14 से, तो हमें पर वर्कर की हमें पेमेंट पता चल जाएगी। फिर उसको हम क्या कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ वर्कर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पेमेंट आएगा उसको हम इस पेमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ़ वर्कर्स पता चल जाएंगे। सो हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले वो लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमें, पेमेंट ऑफ 14 वर्कर्स, 14 वर्कर्स की पेमेंट है 840 रुपीज़। फिर हम निकालेंगे पेमेंट ऑफ वन वर्कर, उसके लिए क्या करेंगे, इस 840 को हम डिवाइड कर देंगे 14 से। 14 की टेबल में 84 कब आता है, 6 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, 60। अब उसने टोटल कितने पैसे दिए हैं, टोटल मनी पेड कितने रुपए दिए हैं, 1260 रुपीज़ उसने दिए हैं। हमें नंबर ऑफ़ वर्कर्स फाइंड आउट करना है, सो नंबर ऑफ वर्कर्स इसको कर देंगे हम, इस पैसों को डिवाइड कर देंगे हर एक वर्कर की रेट से। एक वर्कर को एक दिन में 60 रुपीज़ मिलते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21। मतलब उसने कितने वर्कर अपॉइंट किए हैं, 21 वर्कर्स अपॉइंट किए हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 21 वर्कर्स शुड बी अपॉइंटेड टू पे देम रुपीज़ 1260 पर डे। ओके, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, आप क्वेश्चन नंबर 9। 10 वर्कर्स कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क इन 27 डेज। 10 वर्कर कोई काम है उसको 27 डेज में कंप्लीट करते हैं मिलके। 18 वर्कर कंप्लीटेड द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। 18 वर्कर्स उतना ही काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक नया मेथड और सीखेंगे। अभी हम जो चीज़ें कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे थे, उसके अंदर हम पहले यूनिटरी मेथड लगा रहे थे, उसके बाद उसको सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर अब हम एक नया तरीका सीखेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा वर्क जो है वो क्या है, सेम है, तो काम चाहे 10 वर्कर करें चाहे 18 वर्कर करें, काम उनको उतना ही करना है ना, सेम वर्क है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ तो लिख लेंगे वर्कर्स और दूसरी तरफ क्या है, डेज। अब हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, कितने वर्कर्स, 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं, 27 डेज में। यहाँ पर 27 लिख लेंगे। फिर हमें क्या पूछा है,
कि 18 वर्कर मिलके कितना वर्क करेंगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे 18 वर्कर। नंबर ऑफ डेज हमें नहीं पता है, तो नंबर ऑफ डेज को हम क्या मान लेंगे, एक्स। यहाँ तक इतनी चीज़ समझ आई आपको? हमने क्या किया, क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उसको लिख लिया है। नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करने थे 18 वर्कर्स वाले, तो उसको हमने मान लिया है एक्स। अब यहाँ पर क्योंकि वर्क सेम है, तो अगर हम इस वर्क का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस वर्क के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या होगा, 10 × 27। ये 10 × 27 किसके इक्वल होगा, 18 × x के। इक्वल क्यों है, क्योंकि वर्क क्या है, दोनों का वर्क तो बराबर है, इसीलिए इक्वल है ये। इसको सॉल्व करेंगे, x हमें फाइंड आउट करना है तो x को एक तरफ रख लेंगे, बाकी नंबर को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 10 × 27 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में x के साथ में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये 18। 9 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, 9 2 होता है 18 और 9 3 होता है 27। अगेन ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 5 10। तो हमारे पास कितना बचा, 5 और 3, 5 3 कितना होता है, 15। मतलब कितने डेज लगेंगे, अगर 18 वर्कर काम करते हैं तो उनको 15 डेज लगेंगे काम पूरा करने में। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, आगे के क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे इसी मेथड से करें, दोनों ही मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, इट्स अप टू अस। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम 18 वर्कर्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ ड्राइवर ड्राइव अ कार विद द स्पीड ऑफ 40 km/h एंड रीच टू अ फिक्स्ड प्लेस इन 3 hours। ड्राइवर इस 40 km/h की स्पीड से अगर ट्रैवल करता है तो वो 3 घंटे में पहुंच जाता है। इफ़ यू ड्राइव अ कार विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h देन हाउ मैनी आवर्स इट विल टेक टू रीच दैट प्लेस। अगर मान लो वो इस स्पीड से चलता है तो वो कितने घंटों में पहुंचेगा। अब हमें ये पता है कि इसके अंदर जो डिस्टेंस है, जहाँ से हम निकल रहे हैं और जहाँ पर हमें जाना है, वो डिस्टेंस तो सेम ही है चाहे हम किसी भी स्पीड से चलें। अगर तेज स्पीड से चलेंगे तो थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे और धीरे चलेंगे तो थोड़ा लेट पहुँचेंगे। मतलब दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक तरफ लिख लेंगे स्पीड और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, टाइम। स्पीड हमें कितनी गिवन है, 40। जब 40 की स्पीड से चल रहे हैं तो टाइम लग रहा है 3 hours। अब हमें कितने की स्पीड से चलना है, 60 की स्पीड से चलना है और टाइम हमें बताना है, तो टाइम को हम क्या मान लेंगे, x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक पहला क्या हो जाएगा, 40 × 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 60 × x के इक्वल हो जाएगा। x फाइंड आउट करना है, x को एक तरफ लिख लो, ये क्या हो जाएगा, 40 × 3 ये 60 है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड। 3 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 3 1 3 एंड 3 20 हो जाएगा 60। फिर 40 और 20 वापस कैंसिल हो सकते हैं, 21 20 एंड 22 40 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। मतलब अगर 60 km/h की स्पीड से अगर हम चलते हैं तो 2 hours में हम पहुँच जाएंगे। तो हम लिख लेंगे इसको, इट टेक्स 2 hours टू रीच दैट प्लेस विथ अ स्पीड ऑफ 60 km/h। ओके,